नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। पंजाब में चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच आज पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कैप्टन के बयान ऐसे लग रहे हैं जैसे वो किसी के दबाव में है। रावत ने कहा कि कैप्टन किसान विरोधी भाजपा के मददगार बनते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक सोच समझ कर बुलाई गई थी, लेकिन कैप्टन ने कहा कि वो बैठक में नहीं आएंगे। रावत ने साफ शब्दों में कहा कि इन रिपोर्टों में कोई सच्चाई नहीं है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का पंजाब कांग्रेस द्वारा अपमान किया गया था। हरीश रावत ने कहा कि ये समय सोनिया गांधी के साथ खड़े होने का है। इससे पहले कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने कहा था कि सिंह वही होता है जो मोर्चे पर खड़ा रहता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह सेक्युलर हैं और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के लिए उनके मन में बहुत सम्मान है। आज कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने निशाना साधने के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि अब अमरिंदर सिंह का नया कदम क्या होगा और कांग्रेस पंजाब में कैसे खुद को मजबूत रख पाती है। तो इस खास खबर में अभी के लिए इतना ही। ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी हमारे सहयोगी आसिम जॉर्डन ने। और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।